जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और साथ में आपका पेपर हिंदी का होने जा रहा है। ठीक है प्यार बच्चों, तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से तो तीनों सब्जेक्ट के लिए हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर लेकर के आ चुका हूँ। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आंसर भी बताऊंगा और पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ प्यार बच्चों, आप लोगों का एग्जाम ये 25 सितंबर के दिन ही होने वाला था, लेकिन बीच में फेस्टिवल आ गया, यानी कि एक पर्व आ गया, जिसके कारण से आपका एग्जाम का डेट चेंज कर जाएगा, जो कि आपका जो है ना 1 अक्टूबर के दिन एग्जाम होगा। ठीक है, 1 तारीख के दिन होगा। तो अगर आपका आपके स्कूल में पहले एग्जाम हो तो आप पहले से ही नोट कर लीजिए, नहीं तो आपका बाद में लिख लीजिएगा जब एग्जाम हो। ठीक है, तो पहले पेपर आ गया, तो ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर भी बताया जस्ट पीछे के वीडियो में, नहीं देखे तो जाकर देख लो चैनल पर, नहीं तो मैं आपको उत्तर बताऊंगा अभी डाउनलोड करने के लिए, कैसे करना है तो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सब जाकर ऑब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताऊंगा डाउनलोड करने के लिए। तो फटाफट से देख लो, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ, ताकि आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये नहीं समझना पड़े कि क्या लिखना नहीं है। तो देखो, पहला क्वेश्चन, इसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 10 नंबर के लिए 2 मार्क्स वाला। पहला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिवाजी की तुलना भाषा ने किस प्रकार, इसके बाद ये 3 नंबर है तुमुल कोलाहार, इस प्रकार से पढ़ लेना, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। और मैं देखो आपको बता रहा हूँ, मैं ना पहला दूसरा का पहले उत्तर दिया हूँ, ठीक है, 5 क्वेश्चन बनाना है इसलिए, और फिर मैं यहाँ पर दिया हूँ ये क्वेश्चन ऐसे आपका है 5, 6, 6 नंबर। ठीक है, तो भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या उद्देश्य है, तो इसका उत्तर नहीं दिया, मैं यहाँ पर 7 का उत्तर दिया हूँ। तो देखिए, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की, और जो ना क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेखक और मालती के संबंध के बीच परिचय पाठ के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 9 है जो अर्ध नारेश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार नारी की परिधानता कब आरंभ हुई। जिस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन, मैं ये 3 क्वेश्चन का भी उत्तर दिया हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप जो है इंग्लिश का पेपर में डालने वाला हूँ, इंग्लिश का पेपर डालूंगा, इसके अलावा आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का, तो आप लोग जरूर तैयार रहिए प्यार बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला कि 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को पास एक आवेदन पत्र लिखा, तो मैं इसका उत्तर दिया हूँ। ये 8वां के लिए नीचे है, तो इसका मैं उत्तर नहीं दिया हूँ, आप भी इसको छोड़ देना। ठीक है, 5 नंबर के लिए भी आपका पत्र निवेदन पत्र आवेदन पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन का मात्र जवाब देना है। 2 क्वेश्चन में देखो, मैं दूसरा का उत्तर दिया, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखोगे ना तो यह हो जाएगा आपका कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ना विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करें। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि तुमुल कोलाहल कला से शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या, और 4 नंबर है कि जो ना छात्र साल की तलवार कैसी है वर्णन करें। तो इस प्रकार से मैं आपको 2 नंबर 3 नंबर का भी उत्तर देने वाला हूं। तो चलिए, इसका आंसर की डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट सिखाऊंगा, कैसे करना है तो गूगल या क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड ओपन करना है, उसके बाद डाउनलोड करना है, गूगल या कोलम बर्डर को ओपन करके डाउनलोड करना है। लाइव प्रूफ मैं आपको सिखाता हूँ, पहले आप वीडियो को देखो अच्छे से, फिर वीडियो देखने के बाद जाकर के ना आराम से डाउनलोड कर ले। तो प्यारे बच्चों, आप आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को पैन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर फटाफट से गूगल में आइए और सर्च कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आएगा, नीचे आएगा तो आपके सामने देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना क्लास 12th का सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा क्लास 12th का सेशन, और यहाँ पर क्लास 12th चैप्टर पर मिल जाएगा, फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना इस पर क्लिक करना। आप लोग क्लिक करने के बाद ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इस चैनल पे आर्ट्स साइंस दोनों का क्लास होता है। ठीक है, तो ज्वाइन भी कर लेना। चलो नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो ये साइंस का सेशन है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश का आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हिंदी का डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको जो है ना ये आर्ट्स का सेशन, इसमें भी ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। फिलहाल आपको करना है हिंदी का, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से इंटरफेस पूरा का पूरा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का ये आंसर की रहा, सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको आंसर की नहीं दिखे ना तो एक बार पेज को आप लोग रिफ्रेश कर देना। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद नीचे आपको फिर से आना है। ठीक है, अगर आंसर की नहीं दिखे तब तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का सेम मिला लेना। अभी जस्ट इसके पर इस वीडियो को पहले हमने आपको आंसर बताया था। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये सारा का सारा उत्तर दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे से उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, और साथ में जो है ना प्यार बच्चों, जैसे कि छुट्टी के लिए था और अब अच्छे से बता देता हूँ, आप लोग यहीं से आकर के लिख लेना, काफ़ी बढ़िया होगा, आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ। आप लोग इंग्लिश का भी पेपर आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब करके देखो, दूसरा नंबर में दिया गया है, दूसरा का पहला का उत्तर दिया गया। एक सेकंड रुक जाइए, दूसरा का पहला का होगा,
ये मिस्टेक्स हम यहाँ पर लिख दिए। दूसरा यहाँ पर ना एक नंबर होगा, हम चेंज कर देंगे, ठीक है हम चेंज कर देंगे, देख लीजिएगा। तो देखो पहला नंबर का, पहला का उत्तर दिया जा रहा है, देखिएगा। देखिए उत्तर होगा कि जयशंकर प्रसाद 30 जनवरी 1889 से लेकर के 1915 हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थे। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3-2 का उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा कि शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चीता सिंह, मिगड़राज, कृष्ण आदि से किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोग देखेंगे, 4 नहीं है बल्कि 7 नंबर, 7 का उत्तर होगा भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तभी उन्हें फांसी दी जाए। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लोग देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि रोज पाठ के आधार पर अगर कहें तो लेखक और मालती के संबंध भाई बहन का था, जो दूर के भाई बहन लगते थे। लेखक और मालती दोनों रिश्ते में दूर के भाई और लगते थे और बचपन से ही हुआ लोग काफी समय तक जो है ना साथ रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा लिखना आपको कि दोनों बचपन से ही खेलते थे, साथ ही पढ़े और बड़े अनबाल सुलभ हरकतें उन्होंने साथ साथ की। अब 9 नंबर का उत्तर देखिएगा, 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका कि यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर से ली गई है। लेखक का मानना है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई तो होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और विरूढ़ता का गुण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दिए हैं, इसमें आवेदन पत्र लिखना था आपको, तो लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय विद्यालय, आपके विद्यालय का यहाँ पर जो भी नाम होगा लिख देना और आपका विद्यालय का पता जो भी होगा आप लिख देना, ठीक है। और लिख देना विषय जो है एक सप्ताह की छुट्टी के लिए, ये आप लिख दीजिएगा, आदरणीय महोदय लिख देना है सेम टू सेम। और लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ पर आपका अपना नेम लिख देना है, आपका जो भी नाम होगा, आपके विद्यालय का 8वीं का हूँ तो आपको यहाँ पर 12वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ लिख दीजिएगा। मैं 22/4/2024 ये लिखा गया है तो आपको क्या लिख देना है, डेट जो भी होगा कब लिखिएगा वो, आपको कब से कब छुट्टी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 22/4 से लिखा गया ना तो आप लोगों का एग्जाम वैसे कब, ऐसे तो 1 अक्टूबर को हो रहा है बट आप उससे पहले तो जो भी डेट हो आप दे सकते हो, किसी भी डेट को दे सकते हो। जैसे आप दे देना 5 अक्टूबर से लेकर के 5/4 से लेकर के 5/4/2024 से, 5/7 ना होगा, चलिए 5/10 से, 10 से दे देते 5/10/2024 से लेकर के आप लोग दे दीजिएगा जो है ना 4-7 दिनों की छुट्टी चाहिए तो बिल्कुल 12 और आपको 10/2024 ये लिख देना है। ये सारा का सारा चेंज करके इतना आपको लिख देना है। और लिखना है तब तक एक सप्ताह की जो है ना छुट्टी का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ, इसके आगे लिखिएगा क्योंकि मुझे कारण बताएं। जैसे कारण आपका जो भी होगा आप यहाँ पर कारण लिख दीजिएगा, काट करके यहाँ पर कारण जो भी लिख दीजिएगा, जैसे कि पारिवारिक समारोह, व्यक्तिगत मामले इत्यादि कोई भी कारण हो तो ये सारा का सारा काट देना और कोई भी कारण आप लिख देना। कहाँ से कहना, कैसे लिखोगे समझ लो, देखो क्या लिखोगे, मुझे जो है ना कारण दे करके यहाँ पर लिख देना, लिखना के कारण अपने गांव जाना है, ठीक है। और लिखिएगा अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे एक सप्ताह की छुट्टी देने का प्रदान करें, कृपया इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपको सौ धन्यवाद लिखना है, लिखना है डेट जो भी डेट होगा यहाँ पर डेट लिख देना, यहाँ पर आपका विश्वासी छात्र या जो भी होगा आपका नाम जो भी होगा यहाँ पर लिख देना। जैसे मेरा नाम मिठुन है तो हम मिठुन लिखेंगे, आपका जो होगा आप लिख लेना। 3 नंबर क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन बनाना था तो हम लोग 2 नंबर का उत्तर दिए, ठीक है। तो देखो आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, तो ये तो क्वेश्चन ही हो गया, अरे यार ये तो क्वेश्चन है, इसको मत लिखना। देखो यहां से लिखना है प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं और विपत्तियों मनुष्य को उसका सामना करने के लिए प्रेरित करती है, मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। और आगे आपका हो जाएगा 3 नंबर का उत्तर तुमुल कोलाहार कला में शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया, कवि का कथन सही है जब पुरुष सांसारिक उलझनों से जो ना उबरकर आज घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शांति जो ना शीलता प्रदान करती है, व्यथा एवं जो ना विषाद में स्त्री पुरुष की सहायता करती है। तो इस प्रकार से उत्तर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।